नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अपना मंडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख करके ही आप जान गए होंगे कि आज के वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है रिलीफ केस के बारे में। आप किस तरह से रिलीफ केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज का ये वीडियो काफी छोटा रहने वाला है दोस्तों, और जानकारी काफी बड़ी और फायदेमंद रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, रिलीफ केस का मतलब दोस्तों कि कभी आपके साथ या आपकी किसी संपत्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार द्वारा इसके लिए आपको कुछ राहत राशि प्रदान की जाती है। आइए देखते हैं किस तरह से आप राहत प्रकरण के लिए या राहत राशि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अब मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के इंटरनेट ब्राउजर में, और यहां पर मैं टाइप करूंगा rms.hp.gov.in। ये हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ही एक वेबसाइट है दोस्तों, जिस पर आप रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस वेबसाइट से आप किसी कोर्ट केस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इस वेबसाइट पर काम शुरू करने से पहले हमें रजिस्टर होना पड़ेगा। तो रिलीफ केस में देखिए अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं भी आपको रजिस्ट्रेशन का बटन नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर तीन ऑप्शन दी गई हैं, ऑफिशियल, एडवोकेट और सिटीजन। तो सिटीजन को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, सिटीजन को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का बटन आ गया है। अब इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, अब हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है दोस्तों, और OTP जनरेट कर लेना है। जो OTP हमारे मोबाइल के ऊपर आएगा, वही OTP हमें यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई करवा लेना है। दोस्तों, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म आपके सामने आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अपनी कुछ जानकारी देनी है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका स्टेट क्या है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। जो भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है दोस्तों, और साथ में ही अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर लेना है। जो पासवर्ड आप एक बार में रखेंगे वही पासवर्ड आपको कन्फर्मेशन में भी डालना है, और इसके बाद क्रिएट का बटन यहां पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, आधार नंबर यहां पर डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। क्रिएट का बटन क्लिक करते ही आपका यूजर नेम आईडी क्रिएट हो जाएगा। अब आप इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, लॉगिन करने के लिए एक बार फिर से अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों, और यूजर नेम में अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है दोस्तों, और कैप्चा डालने के बाद साइन इन का बटन क्लिक कर लेना है। अब ये जो फॉर्म हमारे सामने आया है दोस्तों, ये फॉर्म हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट केसेस का फॉर्म है। हमें क्लिक करना है एप्लीकेशन पर, उसके बाद रिलीफ पर, और उसके बाद ओपन एप्लीकेशन के ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। अब हमारे सामने आ गया है दोस्तों रिलीफ केसेस का डैशबोर्ड। इसमें आप बहुत से ऑप्शंस देख सकते हैं। हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक लिस्ट जैसी हमारे सामने आ जाएगी। फॉर्म नंबर 1, फॉर्म 2, 3, 4, इस तरह से एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ के लिए रिलीफ केस बनाना चाहते हैं। डेथ रिलीफ केस के लिए फॉर्म नंबर 1, अगर किसी की इंजरी है तो फॉर्म नंबर 2, और अगर दुधारू पशुओं के लिए आप रिलीफ केस बनाना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 3 यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। हम जो रिलीफ केस अभी बनाने वाले हैं वो फॉर्म नंबर 3 में ही आता है दोस्तों। हमारे एक कस्टमर आए हुए हैं, इनकी भैंस पहाड़ी से गिर करके मर गई है, तो इसके लिए हम लोग रिलीफ केस बनाने वाले हैं। तो फॉर्म नंबर 3 आप खोलेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ ज़रूरी जानकारी आपसे मांगी गई है। ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको डाल देनी है। पशु के मालिक का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, बैंक खाता वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मांगी गई हैं। काफ़ी आसान सी है, आप आसानी से भर लेंगे। इनमें से बहुत सी जानकारियाँ आपको उन डॉक्यूमेंट से मिल जाएंगी जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब मैं आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं दोस्तों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके लिए आपको एक बैंक की कॉपी लगानी होगी, डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यहां पर लगेगी, और पुलिस द्वारा जो पंचनामा बनाया गया है वो पंचनामा या रिपोर्ट आप यहां पर लगाएंगे। साथ में पंचायत की जो रिपोर्ट है, पंचायत के प्रधान ने जो आपको रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट लगेगी, और साथ में ही मृत पशु की फ़ोटो लगेगी।
ये सब डॉक्यूमेंट आपको पहले ही कलेक्ट करके रखने हैं, तैयार करके रखने हैं, ताकि आप आसानी से इस एप्लीकेशन को भर सकें। अगर आपके पास कोई विटनेस भी है दोस्तों, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर डाल देंगे और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक कर लेंगे। अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों सेकंड स्टेप के ऊपर। यहाँ पर अब हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, उसके बाद पंचायत की रिपोर्ट, और उसके बाद पशु का फोटो लगाना है, और उसके बाद बैंक की कॉपी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, और डॉक्टर की रिपोर्ट भी यहाँ पर अपलोड कर लेनी है दोस्तों। अगर आपके पास पटवारी की रिपोर्ट भी है तो आप अदर डॉक्यूमेंट में इसे अपलोड कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताया गया है उस कॉलम में आपको वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है और उसके बाद सेव का बटन क्लिक कर लेंगे दोस्तों। सेव का बटन क्लिक करने से पहले एक बार आपको चेक बॉक्स को भी टिक कर लेना है दोस्तों। एप्लीकेशन की कोई भी रिसिप्ट आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप वेबसाइट पर आकर के इस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस वीडियो की जानकारी दूसरे लोगों के भी काम आ सके।